हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं विकेश आपका स्वागत करता हूँ बिग रॉक्स गेमिंग में। तो दोस्तों, ये है माइनक्राफ्ट सर्वाइवल का एपिसोड 40। तो जैसा कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, हम लोगों ने एक खतरनाक ही माइनिंग मशीन बनाए थे भाई लोग, और खतरनाक ही काम भी कर रहा था वो। लेकिन भाई उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे रोक दिया था, क्योंकि उसको बनाने के बाद यहाँ पे देख लीजिए, आग पकड़ लिया अभी। तो बनाने के बाद हम लोग ने रोका था, और उसके बाद देख लीजिए बहुत दूर तक माइन करके लेके गया हूँ। अरे भैया रुक जाओ, शांत तो जा चाचा थोड़ा सा। हाँ अच्छा, करने दो इन्हीं को, करने दो। हाँ ये कर लो पहले। ओके तो चलो, अच्छा हुआ शांत हो गया भाई। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, जितना देख पा रहे हो ना, इससे कहीं ज्यादा गुना दूर तक आप लेके गए हैं यहाँ पे। और भाई आज के तो एपिसोड में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि आज हम लोग एक ऐसे इंसान को मारेंगे, मतलब मारने की प्रैक्टिस करेंगे, मतलब ये तो बोल सकते हैं प्रिपरेशन करेंगे, कि जो ऑफिशियली ये गेम को एंड कर सकता है। मतलब जैसे माइनक्राफ्ट वालों ने ऑफिशियली बोला था कि मतलब ये गेम एंड हो जाएगा जब आप एंडर ड्रैगन को मारोगे। तो भाई आज हम लोग उसी को मारने के लिए प्रिपरेशन करने पड़ेंगे, क्योंकि भाई अगर माइनक्राफ्ट वालों ने बोला है कि मतलब उसको मारने के बाद ये गेम बंद, मतलब खत्म हो जाएगा एक तरीके से देखा जाए ऑफिशियली, तो भाई बहुत ज्यादा पहलवान रहेगा या तो बहुत ज्यादा ताकतवर रहेगा। तो उसको मारने के लिए भाई अपने को तो प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और यहाँ पर देख लीजिए, इतना ढेर सारा सामान अपना लास्ट टाइम वाला बचा था, तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे देख लीजिए मेरा जो अपना पिकैक्स है ये भी जाने वाला है, इसका भी मतलब हेल्थ थोड़ा ही बचा हुआ है। तो यहाँ पे मैं अभी जस्ट अभी नाइट विजन पोशन पिया हूँ, तो इसके पहले अभी फायर रेजिस्टेंस पोशन पी लेता हूँ, क्योंकि देखते हैं अगर कहीं लावा में गिर गए तो भाई वो अलग नाटक रहेगा। तो ग्लास रखवा देते हैं यहाँ पे, और एक नाइट विजन अपने पास है, तो कोई नहीं अभी चलो काउंट करते हैं। क्योंकि भाई लास्ट एपिसोड में मैंने बोला था कि मतलब मैं अभी नहीं तोड़ूंगा यहाँ पे, जो इतना भी एंशिएंट डेब्रिज मिलेगा ये अपन नेक्स्ट एपिसोड में तोड़ेंगे। तो और सबके ऊपर मैंने टॉर्च लगा के रखे हैं, तो यहाँ पे एक काउंट हो गया। अभी चलो फटाफट इसे काउंट करते हैं, तो यहाँ पे दूसरा यहाँ पे दिख रहा है, उसके बाद यहीं से तो बहुत बहुत जेट सारे यहाँ पे दिख रहे हैं, दो यहाँ पे दिख रहा है, इसको भी तोड़ते हैं यहाँ से। और मैंने यहाँ से ना भाई जितने भी मतलब वो थे अपने डायमंड गोल्ड के जितने भी ब्लॉक्स थे सारे तोड़ लिए मैंने, क्योंकि अपने को गोल्ड का, मैंने जैसे ही बोल रहा हूँ, मैं लगातार चार पांच मतलब बहुत एपिसोड से पहले से ही बोल रहा हूँ, मैं अपने को डायमंड मतलब गोल्ड की बहुत ज़्यादा जरूरत है, गोल्ड की बहुत ज़्यादा जरूरत है। इसकी वजह से मैंने गोल्ड जितना यहाँ पे मिल पाया सारे को तोड़ लिया, लेकिन भाई अपने के में सिल्क टच लगा है तो पूरे ओवर ब्लॉक मतलब पूरे ब्लॉक ही आ चुकी है। अब यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग फायर रेजिस्टेंस पोशन पी लिए हैं, तो यहाँ पे अपन लावा में भी कूद सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, अपन ले मजे अपन कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ओहो देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ओहो नहा रहा है, पूरा मजा आ रहा है यहाँ पे नहाने में भाई। ओहो इसका मुंह देखो कैसा जल रहा है, बेचारे का मुंह जल रहा है लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है उसको। तो कोई नहीं, अपन बाहर निकलते थोड़ा सा काम कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं पूरा तोड़ लेता हूँ और उसके बाद काउंट करते हैं जल्दी। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए, ये लास्ट वाला अपना है, यहाँ पे एंशिएंट डेब्रिज लास्ट वाला बचा है, यहाँ पे भी काउंट करते कितना हो गया भाई अपने पास, 34, और यहाँ पे 33 अगर यहाँ पे देखा जाए तो 60 बोलने जा रहा था, 40 एंशिएंट डेब्रिज अपने पास है। तो कोई नहीं, अभी ये मशीन ऐसे ही रहने दूंगा यहीं पे, क्योंकि भाई इसके आगे मैंने लगातार यहाँ पे दो तीन बार तोड़ा ना, तो यहाँ पे लगातार कम से कम यहाँ तक अपने को लावा भर जाएगा। अगर मैं यहाँ पे फोड़ूंगा ना अभी, यहाँ तक लावा भर जाएगा, ये देख लीजिए पूरा इतना ना पूरा ऊपर लावा ही लावा है। इसके वजह से मैं आगे कंटिन्यू किया, अगर नहीं किया मतलब, अगर बाद में इनकेस अपने को कभी जरूरत पड़ा तो अपन क्या करेंगे, इस जगह को तोड़ मतलब इस मशीन को यहाँ से तोड़ के कहीं और जगह देखेंगे जहाँ पे मतलब ऊपर लावा ना हो, क्योंकि यहाँ पे भाई ऊपर मैंने जैसे हल्का सा तोड़ के गया ना भाई पूरा लावा है। तो इसके वजह से मैं इसके आगे कंटिन्यू नहीं किया रहा हूँ, और अभी चलते हैं अपन अपने घर पे चलते हैं, क्योंकि भाई अभी घर पे जाने के बाद भी अभी बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करना है, क्योंकि अभी ढेर सारे पोशन बनाने हैं, नए पोशन बनाने हैं, आज दो नए पोशन अपने को देखने को मिलेंगे। तो जल्दी चलते हैं अभी घर पे, क्योंकि अभी ये एंशिएंट डेब्रिज लेके जा रहे थे, इनको अभी पिघलाना है, स्मेल्ट करना है, बहुत कुछ करना है, उसके बाद अपने को एक अच्छा सा मतलब एन्चेंटमेंट ढूंढना है, क्योंकि आज मैं एकदम नया पूरा हर एक चीज़ इतना नया आर्मर बनाऊंगा, मतलब लगभग हाँ पूरे नया आर्मर रहेंगे, वो सिटी पूरा नया रहेगा और उसके बाद हर एक चीज़ नया रहेगा। तो देखते हैं चलो आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों हम लोग अपने घर पे आ चुके हैं अभी चलो जल्दी चलते हैं अपन नीचे। ओ भाई साहब मुझे लगा लगेगा, लेकिन यहाँ पे अपन कूद सकते हैं यहाँ से, ज़्यादा नहीं लगता उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं होता है। तो कोई नहीं अभी जल्दी से जितना भी अपन ने लाया है एंशिएंट डेब्रिज सबको स्मेल्टिंग में डालते हैं। तो यहाँ पे नहीं, इसमें वाले में डालते हैं, नहीं यार यहाँ पे भी नहीं डालेंगे, अपन जो बनवाए हैं उसमें कभी यूज़ करेंगे। भाई इतना अच्छा मैंने यहाँ पे इस डिज़ाइन बनवाया है तो इसको क्यों बनवाया है, हाँ यूज़ करने के लिए बनाया ना, तो भाई उसको दिखा के सोचो, रेल वाला दिखा के मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं,
तो कोई नहीं, अभी यहाँ पे देख लीजिए, इस तरीके से अपने को डालना है यहाँ पे और इसको डाल देना, छोड़ देना अभी देखो, और उसके बाद यहाँ पे अभी अपना ये चालू कर देना, उसके बाद यहाँ पे जाना चालू हो गया ये, बस अभी देखो। सो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए ये 5 आ गया है, अभी धीरे धीरे आएगा। देखो यहाँ पे क्या होता है, कैसे हमको चालू करना पड़ता है आज बता देता हूँ मैं। देखो यहाँ पे पहले अपने चालू करेंगे ना यहाँ पे, तो ये जो कोल वाला रहता है, मतलब जो माइनकार्ट हमारा कोल लेके जाता है, वो पहले अपने स्मेल्टर में कोल डालेगा। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे लीवर चालू कर दिया, इसको बंद कर देते हैं, तभी कोल वाला जो रहेगा यहाँ पे बंद हो गया रहेगा, मतलब एक वहाँ पे इस साइड रहेगा तो वो बंद हो जाएगा। अभी क्या करना है, अभी हम लोग ने जिस बॉक्स में अपने सामान डाले हैं, मतलब ऐसे इसको डाले हैं नेदरक के लिए, तो इसका वाला भी तो लीवर चालू करना पड़ेगा ना, तो इसके वजह से यहाँ पे देख लीजिए एक लीवर यहाँ पे इस साइड और एक लीवर हमारा इस साइड, तो ये दोनों का चालू करना पड़ता है इस तरीके से। तो यहाँ पे देख लीजिए अभी हमारा जल्दी जल्दी आ जाएगा ये भाई, ये बकवास, तो डिजाइन पे बकवास मत लगा कुछ भी। अभी यहाँ पे देख ले 19 हो चुका, तो अभी हम लोग इसको यहीं पे रहने देते हैं, 19 लेके चलते हैं, जितना हो चुका उतना लेके चलते, बाकी आएंगे बाद में लेके जाएंगे। तो कोई नहीं, अभी चलते हैं अपन नया नया पहले आर्मर बनाएंगे, पहले जितने भी नए जितने भी आर्मर है ना सारे नए बनाएंगे, क्योंकि अपने पास डायमंड साइज से इतना है कि अपन जितना नए आर्मर और अपने पास टूल्स जो भी है सारा चीज नया बना सकते हैं। A few inches later. So दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए एक, अच्छा हाँ यहाँ पे डायमंड हेलमेट पहले से ही है, और उसके बाद डायमंड 42 है, और कहीं पे रहेगा यार यहीं कहीं तो डायमंड भी रहेगा। अच्छा हाँ अपने को ग्लोस्टोन भी डस्ट भी चाहिए, तो ग्लोस्टोन डस्ट रख लेते हैं अपने पास। और क्या चाहिए यहाँ से, कुछ और चाहिए क्या अपने को, नहीं कुछ और नहीं चाहिए, तो कोई नहीं अभी यहाँ पे हटवा देते हैं सारा सामान, रखवा देते हैं। अच्छा हाँ जो जो गोल्ड लाए हैं हम लोग ना, पूरा गोल्ड यहाँ पे रख देते हैं। और भाई अभी बताता हूँ मैं, यहाँ देख लीजिए एक स्टैक यहाँ पे, एक स्टैक यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे 34, मतलब अपने पास लगभग लगभग 3 स्टैक हो चुका है अपने पास यहाँ पे गोल्ड। तो मैं यहाँ पे सिर्फ ऐसे क्यों उठा के लाया हूँ, मतलब नेदर गोल्ड और क्यों उठा के लाया हूँ, क्योंकि भाई अपने को अपने पास जो चेस्ट, मतलब अपने पास जो ये है, अरे यार क्या बोलते हैं यार, पिकेक्स जो है ये सिल्टच वाला है, तो इसके वजह से ये पूरा ओर निकाल लेता है। तब भी अपन जब यहाँ पे अपन लगाएंगे फॉर्चून, तो सोच लो तब यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, तब यहाँ पे अपने को ना ढेर सारा मिलेगा एक ही स्टैक में से, सोचो ढेर सारा मिलेगा, मतलब एक ही ब्लॉक में से अपने को कम से कम दो तो मिलेंगे ही। तो इसके वजह से मैंने यहाँ पे कर लिया ऐसा काम। और उसके बाद और कुछ चाहिए था क्या यहाँ पे नहीं जा रहा है ये, तो कोई नहीं यहाँ पे रखवा देते हैं इसको, और यहाँ पर से सारा सामान खाली कर लेते हैं। हाँ अपने को ये अभी चार जरूरत है आज, बॉटल्स की जरूरत है, और उसके बाद ये सब खाली करवा लेते हैं जल्दी से। सो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए अपना अंडर चेस्ट पूरा खाली हो चुका है, तो अंडर चेस्ट तोड़ लेते हैं जल्दी से। और यहाँ पे देख लीजिए ये दो चीज आप नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि भाई इन लोग का ऑलरेडी मैक्सिमम लेवल पे है लोग, सिल्क टच, मेंडिंग, एफिशिएंसी 4, अनब्रेकिंग 3, तो भाई साहब ये लोग ऑलरेडी अपने मैक्सिमम लेवल पे है, ये भी उसी हिसाब से है, तो इसके वजह से हम लोग ये दोनों को नहीं चेंज करेंगे। और पिकैक्स अपना सिल्क टच वाला है, इसके वजह से अपन एक मतलब फॉर्चून वाला बनाएंगे, लेकिन लेके जाएंगे सिल्क टच वाला ही, क्योंकि अपने को यहाँ पे क्या जरूरत है भाई, वहाँ पे क्या जरूरत पड़ जाए, मतलब कौन सी चीज अपने को पूरा इकट्ठा इसे चाहिए रहेगी, तो वहाँ पे सिल्टर ज्यादा जरूरत रहेगा। और यहाँ पे भाई इसको पहले रिपेयर भी करना पड़ेगा, और यहाँ पे बो अपने को दूसरा चाहिए, और यहाँ पे अपने को जो अपना यहाँ पे स्वर्ड है, स्वर्ड भी अपने को दूसरा चाहिए, क्योंकि इसमें स्माइट 5 लगा है, अपने को चाहिए शार्पनेस 5, शार्पनेस वाला चाहिए इसके वजह से। और यहाँ पे बूट शायद से नहीं चेंज करना है मुझे, फेदर फॉलिंग 4 ही चलेगा मुझे। और उसके बाद यहाँ पे लेगिंग्स भी आई थिंक सो सही है, लेकिन प्रोटेक्शन 3 से भी ऊपर आता है प्रोटेक्शन 4, तो ट्राई करते हैं, अगर प्रोटेक्शन 4 मिला तो अपने को अच्छी बात है, नहीं तो छोड़ेंगे और क्या। नहीं तो चेस्ट भी अच्छा ही है, चेस्ट भी मस्त है। हेलमेट आई थिंक चेंज करना पड़ेगा अपने को, कुछ नहीं अपन देख लेते एक बार। और यहाँ पे फेदर फॉलिंग 4 कोई नहीं देख लेते, मतलब जो जो चीजें चेंज हो जाती हैं, पहले चलते हैं अपन पिकैक्स पहले अपना रिपेयर करके आते हैं। भाई अपने को ढेर सारा एक्सपी चाहिए रहेगा, और अपने को मालूम है एक्सपी कहाँ से मिलता है भाई, अपना एक्सपी फार्म से, तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बहुत देर तक स्पॉन होने के बाद, मतलब यहाँ पे बहुत देर तक वहाँ पे AFK थे, उसके बाद आए हैं, देखते हैं अभी भाई कितना अपने जाता है। भाई यहाँ पे तो बहुत लोग, मतलब हद से आधा लोग यहाँ पे स्पॉन हो गए भाई, मतलब अपना फार्म भी बहुत मस्त खतरनाक काम करता है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे सारे खत्म हो गए भाई, यहाँ पे तो अपना पिकैक्स भी रिपेयर हो चुका है, और उसके बाद 45 मतलब लगभग 3 या 4 एक्सपी बढ़ चुका है भाई। 30 के बाद एक एक एक्सपी बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है, यहाँ पे 3 से 4 बढ़ गए हैं, वो बहुत बड़ी बात है। ओ भाई साहब अनब्रेकिंग 3, पावर 4, फ्लेम पंच 2, भाई क्या है ये, तो खतरनाक था यार, इसमें मेंडिंग लगा देंगे बस बात खत्म हो जाएगी, ये तो खतरनाक काम करेगा। तो कौन सा था, ये वाला था ना, पावर 4,
उसके बाद पंच टू, फ्लेम, अनब्रेकिंग थ्री, भाई इसमें तो अपन मेंडिंग लगा देंगे बस। यहाँ पे ये लोग आगे पे पे कर रहे हैं, इन लोग का काम तमाम करते पहले पागरे। कोई नहीं, ये लोग खत्म हो गए भाई साहब। यहाँ पे तो ये खतरनाक मिल गया भाई, सारे बो रखवाता हूँ मैं अभी अंदर। और अभी ओ भाई साहब यहाँ पे भी अपने पास बहुत ढेर सारे हैं, तो ये देख लीजिए इतना ढेर सारा। यहाँ पे मर्ज करते बैठेंगे तो बहुत ढेर सारा हो जाएगा अपने पास। तो अभी अगर देखते हैं तो अनब्रेकिंग थ्री, पावर फोर, फ्लेम पंच टू एक में है, और एक में है अनब्रेकिंग टू, पावर टू, उसके बाद पावर टू, पावर टू, और उसके बाद पंच टू, पावर टू, फ्लेम, अनब्रेकिंग टू, पावर थ्री, इन्फिनिटी, अनब्रेकिंग टू। इसमें अनब्रेकिंग थ्री है ना? हाँ भाई बस मस्त मस्त। अनब्रेकिंग थ्री, पावर फोर, पंच वन, इन्फिनिटी, उसके बाद अनब्रेकिंग टू, पावर थ्री। भाई 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 मुझे सिर्फ ये रखना है, उसके बाद बाकी सब रखवा देता हूँ मैं। भाई यहाँ पे एक फाइनल हो गया अपना, ये वाला अनब्रेकिंग थ्री, पावर फोर और फ्लेम पंच टू, ये अपन लेके चलेंगे अपन अंडर ड्रैगन को मारने के लिए। और यहाँ पे भाई सब सामान इतना मस्त लेके टहल रहा हूँ मैं, रखवा देता हूँ भाई अंडर चेस्ट में। यहाँ पे देख लो डायमंड लेके टहल रहा हूँ, ग्लो स्टोन, डायमंड हेलमेट, उसके बाद नेदरराइट भाई स्क्रैप 19, वो भी लेके घूम रहा देख रहा हूँ मैं भाई, खतरनाक ही काम कर रहा हूँ मैं अभी। तो इसको पहले तोड़ते हैं, इसको लेके अभी अपन फटाफट चलते हैं घर पे। नहीं यार यहाँ से एरो लेना था मुझे, क्योंकि मैं अभी इन्फिनिटी इंडर डालने वाला, तो इन्फिनिटी के जगह पे अपन एरो लेके चलेंगे। यहाँ पे कितना, तीन स्टैक, चार स्टैक, इतना काफी है, चार पांच स्टैक काफी है एकदम, मतलब एंडर ड्रैगन को मारने के लिए इतना तो बहुत है। तो कोई नहीं, अभी इतना हमारे पास कितना हो चुका, तीन यहाँ पे, चार, ओ भाई साहब छह स्टैक ले लिया मैंने। कोई नहीं अभी रख लेते और क्या। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं भाई, अभी हम लोग लगाने वाले हैं अपने सारी चीजों में, हेलमेट में, और उसके बाद बूट में, और उसके बाद यहाँ पे अपने लेगिंग्स में। क्या लगाने वाले भाई अपन? फॉर्च्यून यहाँ पे लगाने वाले, थॉर्न्स टू। थॉर्न्स टू भाई इसलिए काम मस्त है क्योंकि मतलब जो बंदे अपने को मारते हैं ना उनको भी इफेक्ट पड़ता है उससे, तो इसके वजह से थॉर्न टू लगा रहा हूँ मैं अपना। तो यहाँ पे चेस्ट प्लेट कहाँ गया भाई? चेस्ट प्लेट में ऑलरेडी साथ से है। हाँ तो अपन लेगिंग्स में लगा लेते हैं थॉर्न्स टू। उसके बाद थॉर्न्स टू का और भी है क्या अपने पास? फेदर फॉलिंग टू, शार्पनेस थ्री, एक्वा एफिनिटी, प्रोटेक्शन, शार्पनेस थ्री, स्विपिंग एज, एक्वा एफिनिटी एंड स्विपिंग एज। भाई यहाँ पे नहीं है, तो दो ही चीज में लग पाए अपने, हेलमेट में या थॉर्न्स टू, और उसके बाद थॉर्न्स टू अपने लेगिंग्स में, और यहाँ पे शायद से ऑलरेडी अपने चेस्ट प्लेट में है। हाँ चेस्ट प्लेट में ऑलरेडी है, तो बूट में जाने तो अभी नहीं लगवाते। फेदर फॉलिंग टू तो है, टू तो फोर इसमें लगाया, तो क्या करेगा ये? तो स्विपिंग एज, एक्वा एफिनिटी, स्विपिंग एज, उसके बाद स्विपिंग एज, शार्पनेस थ्री, शार्पनेस थ्री। अच्छा हाँ स्विपिंग एज मैंने लिया है अपने नेक्स्ट तलवार के लिए लिया है, मतलब हम लोग जो नेक्स्ट अपना बनाने वाले हैं ना उसमें अपन स्विपिंग एज और शार्पनेस लगाने वाले हैं इसके वजह से। और यहाँ पे भाई अपन ले लेते हैं एफिशिएंसी का, तो एफिशिएंसी मिल रहा है क्या कहीं पे? एफिशिएंसी थ्री मिल रहा है भाई यहाँ पे, मिल रहा है एफिशिएंसी टू मिल रहा है, उसके बाद फेदर फॉलिंग थ्री, अनब्रेकिंग वन, तो एफिशिएंसी टू। बट फेदर फॉलिंग कौन लगाया अभी? कौन है ये लोग भाई? एफिशिएंसी और फेदर फॉलिंग का क्या मतलब है? कुछ भी। दोस्तों यहाँ पे मेंडिंग का पहले एक बुक उठाते हैं क्योंकि मेंडिंग की अपनी जरूरत है भाई। मेंडिंग मेंडिंग नाम लेते ही मेंडिंग मिल गया अपने को, लगाना है बो में अपने, तो बो में लगाते हैं। यहाँ पे बो है अपना अनब्रेकिंग थ्री, पावर फोर, फ्लेम, पंच टू। ओके इतना काफी है आई थिंक सो। टू एक्सपेंसिव भाई ये क्या है? टू एक्सपेंसिव अभी पागल है क्या? टू एक्सपेंसिव क्या है भाई? कुछ लगाया तो है नहीं इसके अंदर, तो टू एक्सपेंसिव क्या भाई? चार ही लगाया बस, टू एक्सपेंसिव हो गया भाई। यही करेगा ऐसे भाई को धोखा देगा अभी। कोई नहीं अभी अपन क्या करते हैं, पहले यहाँ से डायमंड लेके आते हैं और बुक्स यहाँ पे अंदर रखवा देते हैं इसके। दोस्तों यहाँ पे पहले तलवार बना लेते हैं अपना, तलवार बन जाओ। ओके यहाँ पे तलवार। अबे पागल है क्या मैं भाई? यार ये क्या फालतूगिरी किया भाई, इतने तलवार का क्या अचार डालूंगा मैं अभी भाई। लो कर दिया ना यहाँ पे खतरनाक काम, लो खतरनाक काम करते करते यहाँ पे हो गया हमारा खतरनाक काम। इतना ढेर सारा तलवार, अभी क्या करूंगा मैं, अचार डालूंगा इस सब का? इतना यार भाई अभी कहाँ पे यार, ऊपर रखवाना पड़ेगा कहीं पे एक जगह पे, तो यार यहाँ पे रखवा लेते हैं और क्या। इतना ढेर सारा तलवार, सोचो क्या करूंगा मैं इन सब का। तो भाई क्या ही बोले अभी, मस्त पागल जैसा फालतूगिरी किया मैंने अभी। कोई नहीं यार नीचे जाके अभी देखते हैं, पहले अपन नेदरराइट उठाते हैं, नेदरराइट स्क्रैप शायद से है। हाँ स्क्रैप ले है, वो उसको लेते हैं। तो यहाँ से 19 ले लिया। तो दोस्तों यहाँ पे अभी नेदरराइट स्क्रैप और उसके बाद यहाँ पे गोल्ड इंगट मिलके ये लोग बनाते हैं क्या अपने को? अपने को ये नेदरराइट इंगट बनाते हैं। तो यहाँ पे बना लेते हैं पहले इतना, तो चार बन गया है अभी भाई। चार ही क्या करेगा, तो चार, अच्छा हाँ चार, तो यहाँ पे एक लगवा देते हैं। तो ये देखिए कन्वर्ट हो गया शायद से अभी,
भाई ये क्या फालतू गिरी है यार। ओह अच्छा अच्छा समझा समझा अभी अभी समझा। अपने को यहाँ पे नहीं चेंज करवाना है, अपने को लेके जाके ये विलेजर वाले रूम में चेंज करवाना है। तो अभी समझा मुझे। कोई नहीं दोस्तों, यहाँ पे अपन आ चुके हैं, अभी यहाँ पे चेंज कराने देख लियो। ये बन गया अपना नेदराइट स्वॉर्ड, एक नंबर। अभी इसमें भी चेंज कराते, ये बन गया नेदराइट हेलमेट। तो दो चीज तो बन गया अपना, और अपने को चेंज कराना था क्या कुछ भी? तो छोड़ो अभी जाने देते हैं, अभी आज नहीं आज। हाँ एक पिकैक्स तो बनवाना था ना, पिकैक्स बनवाने के लिए अभी अपने को जाना पड़ेगा टेबल पर, और अपने पास शायद से यहाँ पे लकड़ी नहीं है। हाँ भाई यहाँ पे लकड़ी नहीं था, तो ये भी अच्छी बात है भाई विदाउट लकड़ी। और यहाँ पे देख लीजिए मैंने शेडर हटा दिया भाई, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा मुझे अनकम्फर्टेबल हो रहा था कि मतलब ऐसे शायद से लैग हो रहा था, इसके वजह से मैंने हटा दिया यहाँ पे शेडर सी, इसके वजह से अभी चलो विदाउट शेडर अभी काम करते हैं। तो यहाँ पे बनवाते हैं पहले अभी पिकैक्स, पिकैक्स के लिए लकड़ी चाहिए, और लकड़ी मुझे की मिलेगी यहाँ इस वुड से, प्लैंक से अपने को लकड़ी मिल जाएगी। तो कोई नहीं भाई इतना नहीं, अभी इस बार भाई शिफ्ट प्रेस करके नहीं करने का यार, भाई बहुत खतरनाक काम कर दिया यहाँ पे मैंने भाई। इतना एक तो इतना मेहनत से डायमंड मिलता है अपने को, और यहाँ पे ओ देख लिया फिर से वही काम किया मैंने फिर से भाई। अच्छा हुआ यहाँ पे चेंज करवा लिया मैंने। तो यहाँ पे पिकैक्स भी बन गया, और अपने पास लेगिंग्स का भी शायद से प्रोटेक्शन 3, अनब्रेकिंग 3, अनमेंडिंग, और उसके बाद थॉर्न्स 2 इसमें भी लगा है, थॉर्न्स 2 इसमें भी लगा है। बस अपने बूट में थॉर्न्स 2 नहीं लगा, लेकिन थॉर्न्स 2 का अपने पास बुक है। तो कोई नहीं अभी जब अपन फिर से आएंगे बाद में लगवा लेंगे इसके अंदर थॉर्न्स 2। बाद में क्या मतलब, अरे तो इस इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है बूट में लगवाने की। तो कोई नहीं अभी यहाँ पे देख लीजिए, अभी अपने को सिर्फ स्वॉर्ड का चाहिए था, स्वॉर्ड बनवा लिया, हेलमेट चाहिए था, हेलमेट बनवा लिया, और पिकैक्स चाहिए था, पिकैक्स बनवा लिया। पिकैक्स को अभी कन्वर्ट करना है अपने को नेदराइट में, बस और कुछ नहीं। आजा फैंटम भाई आजा आजा, तेरी जरूरत है, तुझे तो और जरूरत है मेरी, तो तुझे रुक जा मैं खाने भर का देता हूँ। अबे ऊपर कहाँ भाग गया, अभी से इतना नाटक चालू तेरा, मर जा भाई मर जा। हाँ अभी मरेगा इसका भाई। फैंटम मेम्ब्रेन चाहिए क्योंकि अपने को जरूरत है। भाई गिराया कि नहीं यहाँ पे कहीं पे भाई? फैंटम मेम्ब्रेन दे दे, नहीं गिरा शायद से। ओ वैसे भी कोई बात नहीं, अपने पास दो फैंटम मेम्ब्रेन ऑलरेडी है अपने पास। और यहाँ पे देखते हैं अपने पास अभी शायद से यहाँ पे, ओके टोटम पम्प फंडाइंग यहाँ पे दो दो है। ओ भाई साहब यहाँ पे डायमंड, यहाँ पे देख लीजिए 19 यहाँ पे था भाई डायमंड, और यहाँ पे नॉटिलस शेल भाई, ये मैंने ट्रेडर से पाया था, ट्रेडर से भाग रहा था, ट्रेडर से ट्रेड कर लिया मैंने उससे, उसको पकड़। और ये देख लीजिए यहाँ पे लाइन लगा लिए ये लोग, यहाँ पे आ जाओ आ जाओ, लाइन लगाओ लगा लगाओ लगाए लाइन लगा लगा लगाए। कोई नहीं दोस्तों आज आप रात में भी काम करेंगे भाई। यहाँ पे तो अपन जितना मतलब, हाँ यहाँ पे रहेगा अपना बुक, तो अपने को पहले अपने, हाँ पहले अपन स्वॉर्ड में लगाने के लिए निकाल लेते हैं। तो मेंडिंग लगाएंगे, उसके बाद स्विपिंग एज 3, उसके बाद अपने पास एफिशिएंसी नहीं लगाना इसमें, उसके एक्वा अफिनिटी नहीं, शार्पनेस लगाना है, उसके बाद थॉर्न्स 2 नहीं लगाना, एफिशिएंसी नहीं लगाना, ये सब स्विपिंग एज 1, तो 3 है तो ऑलरेडी, तो क्यों लेंगे इसको। तो स्विपिंग एज 3, ओके स्विपिंग एज 3, 3 मिल जाके 4 हो जाएगा, उसके बाद शार्पनेस थे 5 हो जाएंगे, मतलब 4 हो जाएगा, 5 बोल रहा मैं। तो कोई नहीं अभी पहले यहाँ पे बुक स्विपिंग एज 3, और यहाँ पे इसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो गया अपना 3 कन्वर्ट ले रहा है स्विपिंग एज 3 और शार्पनेस 3 में। तो उसके बाद फिर से स्विपिंग एज 3 और शार्पनेस 3 को मर्ज करते हैं। ओ भाई साहब यहाँ पे देख लो, अगर यही बुक मैं चेंज कर देता हूँ इसको पहले और इसको यहाँ पे रख देता हूँ, देख लीजिए 3 लग रहा है, और इसको फिर से ऐसे चेंज कर दे रहा हूँ यहाँ पे 6 लग रहे हैं भाई, मतलब क्या है। तो इसको ऐसे रख देते हैं ना, तो यहाँ पे हो गया काम, और उसके बाद अभी इन तीनों को मर्ज कर देना है। ओ भाई साहब 12 ले रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादा हो जा रहा है। तो मेंडिंग पहले लगवा लेते हैं इसमें, ओके तो 2 में मेंडिंग लग गया अपना, और अच्छा एक इसको देखते हैं कैसे लग रहा है, इसका 10 ले रहा है ये। तो कोई नहीं इसको मेंडिंग लगवाते पहले, यहाँ पे मेंडिंग लग गया, अभी बचा कितना अपने पास, 7 बचा है भाई, 7 में तो कुछ नहीं होने वाला। तो कोई नहीं अभी जो एफिशिएंसी वाले बुक्स हैं उनको कन्वर्ट करा लेते हैं, जैसे एफिशिएंसी के बुक हैं यहाँ पे 2 पड़ा है, एफिशिएंसी 2, एफिशिएंसी 3, और उसके बाद एफिशिएंसी 2 यहाँ पे भी है, और उसके बाद एफिशिएंसी खत्म। तो यहाँ पे एफिशिएंसी 2 और एफिशिएंसी 2 मिला के एफिशिएंसी 3 हो जाएंगे। तो कोई नहीं, और यहाँ पे एफिशिएंसी 3 5 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अपने पास है ही नहीं एन्चेंटमेंट। तो कोई नहीं दोस्तों मैं जल्दी से अपने मॉब रूम मतलब एक्सपी वाले फार्म से आते हैं जल्दी से मैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए मैंने यहाँ पे 2 स्टैक यहाँ पे खाना ले लिया है, और यहाँ पे 12 बॉटल बनवा लिए हैं, और यहाँ पे देख लीजिए 2 स्टैक से ज़्यादा ही खाना ले लिया भाई, क्योंकि अपने को बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र तय करना है इसके वजह से। और यहाँ पे चेन मिल गई, पता नहीं क्या फालतू गिरी है, ये सब चीज़ें आ चुकी हैं।
ये भगवा भगवा भगाते हैं यहाँ से, मतलब भाई बोल भी नहीं पा रहा हूँ मैं, देख ले यहाँ पे। तो कोई नहीं, यहाँ पे अभी बॉटल में पहले पानी भर के लाते हैं, ऑकवर्ड पोषण बना लेते हैं, उसके बाद जो दो नया पोषण आज बनाने वाला हूँ वो आपको दिखाता हूँ मैं। दोस्तों यहाँ पे अभी ढूंढते हैं फैंटम मेम्ब्रेन, शायद से ऊपर ही रखा रहेगा यार मैंने। हाँ, एक जगह से कहीं से तो लेके आया था मैं कि ये यहीं पे मारा था, तभी मुझे मिला था फैंटम मेम्ब्रेन। और यहाँ पे घास टीयर भी है भाई अपने पास, तो फैंटम मेम्ब्रेन कहाँ है भैया तू? तो घास टीयर से भी एक चीज बन सकता है, तो इसको भी ले लेते हैं। और उसके बाद भाई फैंटम मेम्ब्रेन, ओके यहाँ पे है दो, यहाँ पे मिल गया। और उसके बाद ब्लेज रॉड चाहिए था तो अपने को, ब्लेज रॉड भी यहीं कहीं रहेगा। ओ भाई साहब, ब्लेज रॉड एक बार मैंने बहुत ढेर सारा लेके आया था यार यहाँ से, मतलब गया था तो बहुत ढेर सारा लेके आया था, पता नहीं कहाँ रखा गया है। रहेगा यहीं घर पे ही रहेगा भाई, पक्का घर पे रहेगा, क्योंकि हो सकता है नीचे रहेगा, क्योंकि मैंने बहुत ढेर सारे ब्लेज रॉड मार, मतलब ब्लेज को मार के ब्लेज रॉड लेकर आए थे। तो वो देख लीजिए यहाँ पे ब्लेज पाउडर यहाँ पे रखा हुआ है, तो कोई नहीं यहाँ पे पाँच छः जो ले लेते हैं, ज़्यादा ज़्यादा की तो जरूरत है नहीं अपने को, इतना रख लेते हैं बस, और कुछ नहीं, ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पे डाल देंगे और कुछ नहीं क्या। तो यहाँ पे अभी बनाते हैं नेदर वॉल्ट, नेदर वॉल्ट के लिए अभी हाँ यहाँ पे अपने को चाहिए रहेगा तीन आई थिंक सो, और चाहिए रहेगा अपने को। तो नेदर वॉल्ट देखते हैं कहाँ पे रखा है, ओके तो यहाँ पे देख लीजिए इतना ढेर सारा रखा हुआ है, तो ये इतना ले लेते बस। अभी चलते हैं ऑकवर्ड पोषण बनाते हैं और जो अपने को पोषण चाहिए वो बनवाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहले अभी नेदर वॉल्ट निकालते हैं और यहाँ पे रखवाते हैं एक फैंटम मेम्ब्रेन। और भाई यहाँ पे घास टीयर से कुछ नहीं बनवाने वाला, क्योंकि मुझे अभी अभी मालूम पड़ा है भाई घास टीयर से आप बहुत बड़ा चीज बना सकते हैं भाई, मतलब उसके लिए मैं रख देता हूँ, क्योंकि घास के टीयर बहुत मतलब मुश्किल से मिलता है इसके वजह से। और यहाँ पे देख लीजिए दो ब्रीविंग स्टैंक मैंने एक्स्ट्रा ला के रख दिया यहाँ पे, तो इस सबको पहले तीन रखते हैं और यहाँ पे हटाते हैं इसको, और यहाँ से लाके यहाँ पे रख देंगे ब्लेज रॉड। बस अपने को ब्लेज रॉड चाहिए, तो यहाँ पे देख लीजिए हम दो अलग अलग तरीके के, यहाँ पे देख लीजिए पोशन ऑफ स्लो फॉलिंग बन गया ये अपने, डेढ़ मिनट का बन गया ये, और ये बनेगा अपना स्ट्रेंथ का पोशन। तो यहाँ पे देख लीजिए भाई पोशन ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पे बन चुका है, ये तीन मिनट का बन चुका है और यहाँ पे ये डेढ़ मिनट का बन चुका है। अभी इसको और हम लोग हायर अपग्रेड करते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए भाई चार मिनट का ही बना यार स्लो फॉलिंग का, मतलब यहाँ पे मैंने रेड स्टोन डाला ना डेढ़ मिनट का था, ये चार मिनट का हो गया। कोई नहीं, अभी उन चार मिनट में ही काम चला लेंगे। तो तीन पोशन ये बना लिया मैंने, और उसके बाद तीन यहाँ पे अपना बन चुका है स्ट्रेंथ का आठ मिनट का, ये देख लीजिए आठ आठ मिनट का अपने पास स्ट्रेंथ का हो चुका है। तो कोई नहीं, अभी अपन स्ट्रेंथ का शायद से हाँ रहने देते हैं, आठ ही मिनट का रहने देते हैं, क्योंकि आठ आठ मिनट का भाई। और यहाँ पे अपन पोशन ऑफ स्लो फॉलिंग बनवा लेते हैं फिर से एक बार फिर से। तो पोशन ऑफ स्लो फॉलिंग के लिए अपने को चाहिए रहेगा यहाँ पे फैंटम मेम्ब्रेन, तो फिर से तीन रखवा देते हैं यहाँ पे। सो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए हम लोगों ने यहाँ पे मतलब अपना तीन ये बन चुका है स्लो फॉलिंग का चार चार मिनट का, और तीन बनने के लिए रख दिया यहाँ पे चार मिनट का, और यहाँ पे पोशन ऑफ स्ट्रेंथ का आठ आठ बन चुका है, आठ आठ मिनट का मतलब तीन बन चुका है। और यहाँ पे अपने पास तीन बच रहा था, यहाँ पे देख लीजिए ये भी हो चुका, अपने पास ये तीन बच रहा है। तो अभी अपन बनाने वाले तीन का रीजनरेशन, तो तीन रीजनरेशन बनाने के लिए यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके से रख दिया मैंने, और रीजनरेशन बनाने के लिए यहाँ पे घास टीयर चाहिए रहता है बस। और भाई यहाँ पे अपन कुछ पोर्शन जो है ना स्प्लैश बनाने वाले हैं, तो मतलब स्प्लैश मतलब कैसे अपन फोड़ेंगे ना तो अपने ऊपर वो एक्टिवेट हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे हर एक को पीने बैठेंगे तो वहाँ पे बहुत टाइम जाता है, तो इसके वजह से ना यहाँ पे अपन थोड़ा सा वो लेके आते हैं गन पाउडर। तो गन पाउडर आई थिंक सो यहाँ पे रहेगा, तो पता नहीं यहाँ पे है कि नहीं यार। गन पाउडर कोई ट्रेड करता है क्या? कोई पता नहीं, कोई चाचा ट्रेड करते हो तुम लोग कोई गन पाउडर? ये लोग गन पाउडर भी ट्रेड नहीं करते। ओहो, अब लेके आना पड़ेगा मतलब गन पाउडर, वैसे भी तो गन पाउडर के अपने पास कमी है नहीं, लेकिन तो लेके आना ही पड़ेगा यार, मतलब उसके लिए जाना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख लेते शायद से ये बन चुका, हाँ रीजनरेशन का बन चुका है। अभी रीजनरेशन के बनने के लिए अभी यहाँ पे अपने को डालना पड़ेगा शायद से, हाँ अपन यहाँ पे डाल देते हैं ग्लोस्टोन, तो ये क्या हो जाएगा रीजनरेशन टू हो जाएगा। तो भाई लेकिन कम समय के लिए होगा, ये 45 सेकंड के लिए है तो वो 22 सेकंड के लिए रहेगा, लेकिन यहाँ पे रीजनरेशन टू हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए भाई एक ब्लेज पाउडर डालने के बाद पे अपने कितने बार अपन इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर ले रहे हैं यहाँ पे देख लीजिए। तो यही था अभी स्लो फॉलिंग का, ये जो चार मिनट का है अपन इन सबको ना नहीं यार किसको बनवाए रीजनरेशन के अपना यहाँ पे स्प्लैश बनवा लेते हैं, कोई नहीं इसको स्प्लैश बनवाते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए स्प्लैश बनवाने के लिए गन पाउडर डाल दिया, सीधी सी बात है बस यहाँ पे गन पाउडर डालते ही अभी ये बन जाएगा स्प्लैश में। तो अपन इसको नीचे फोड़ेंगे ना तो तुरंत ये क्या रहेगा एक्टिवेट हो जाएगा यहाँ पे अपने ऊपर आ जाएगा। तो ये देख लीजिए अपन स्प्लैश पोशन ऑफ रीजनरेशन बन चुका, वो भी टू
भाई अपने पास यहाँ पे मतलब पोषण ही पोषण हो चुके हैं, तो कोई नहीं अभी रेडस्टोन ये टीयर घास टीयर भाई अपन बहुत ज्यादा मेहनत रखेगा, और उसके बाद ग्लोस्टोन डस्ट भी रखवा देते हैं, और गन पाउडर की जरूरत है अपने पास क्योंकि अभी गन पाउडर और पेपर की जरूरत है। तो ये सब सामान रखने के बाद अभी अपन टूटेंगे किसके ऊपर, गन पाउडर और उसके बाद पेपर के ऊपर, क्योंकि अपने को एक चीज बनाना है जो अपने को लौटने में काफी ज्यादा मदद करेगा शायद से। नहीं यार नहीं बनवाते, बाद में अपन देख लेंगे क्योंकि रिटर्न आना ही है अपने को, रिटर्न आके तब फिर से बनवा के जाएंगे। तो कोई नहीं अभी यहाँ पे ठीक है, ये देख लीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या क्या अपन ने इकट्ठा कर लिया है, अपन ने यहाँ पे 5 स्टैक जो है यहाँ पे हो गया अपना एरो, और उसके बाद टोटम ऑफ फंडाइंग एक है, उसके बाद रोटन फ्लेश, ये क्या कर रहा है यहाँ पे रोटन ऑफ फ्लेश पता नहीं क्या कर रहा है। तो यहाँ पे दो ये रखवा देते हैं, दो खाने का सामान यहाँ पे रख देते हैं और अपने पास कुछ रखते हैं, और उसके बाद डर्ट की जरूरत शायद से हाँ थोड़ी बहुत रहेगी तो ये रख देते हैं, डर्ट यहाँ पे रख देते हैं, और उसके बाद आई थिंक सो किसी चीज की और जरूरत है। ओ भाई साहब लकड़ी ले लेते हैं, लकड़ी लकड़ी की जरूरत रहती है क्योंकि भाई कहीं पे भी जाए थोड़ा सा लकड़ी जरूर लेके जाना चाहिए माइनक्राफ्ट में, क्योंकि वो काम देता है अपने को ही आगे जाके। एक लकड़ी अगर रहेगा तो आप उससे कम से कम एक अपना यहाँ पे ये देख लीजिए आप उनका एक क्राफ्टिंग टेबल बना सकते हैं, क्राफ्टिंग टेबल के बाद कुछ भी बना सकते हो आप अपने से। तो यहाँ पे एक क्राफ्टिंग टेबल यहाँ पे रख देते हैं, थोड़ी सी लकड़ी यहाँ पे अंदर रख देते हैं, और कुछ जरूरत है क्या अपने को, खाने का सामान थोड़ा सा लेके आए यहाँ पे। ओ भाई साहब ओके तभी याद आया, तो यहाँ पे थोड़ा सा खाना ये ले लेते हैं, और यहाँ पे देख लीजिए एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल भाई किस दिन काम आएगा ये अपने को, तो ये भी ले लेते हैं। चलिए भाई आज मतलब भाई उसके लिए ना अपन इतनी तगड़ी तैयारी करके जाएंगे, मतलब उसको एक ही बार में मार के आएंगे भाई, वहाँ पे जाके मरना नहीं, अपना पोपट नहीं कराना है, इसके वजह से हम लोग यहाँ पे पूरा एकदम मस्त तैयार व्यार होके जाएंगे, और ताकि जाते ही वहाँ पे उसको बजाना चालू कर दें बस। और यहाँ पे देख लीजिए नाइट विजन पोशन यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो एक लेते हैं यहाँ से, अगर फर्क पड़ा तो अच्छी बात है, नहीं फर्क पड़ा तो और अच्छी बात है। तो कोई नहीं अभी इसको कहाँ रखवाऊँ यार मैं, क्योंकि आपको दिखाऊँ मैं घास टियर क्यों यहाँ पे बचा के रखा हूँ, तो ये देख लीजिए अभी यहाँ पे दिखाता हूँ मैं भाई, दिखाओ कि नहीं दिखाओ, नहीं दिखाऊंगा जाने दो, नहीं दिखाते भाई, जब जरूरत पड़ेगा तभी आप उन यहाँ पे देख लेंगे। तो घास टियर यहाँ पे रखवा देता हूँ, और इसके बाद ये सभी यहाँ पे रखवा देते हैं, इन सभी की कोई जरूरत नहीं है, तो गन पाउडर की भी जरूरत नहीं है कुछ भी अपने पास, तो ये सब भी रखवा देते हैं। और उसके बाद और कुछ जरूरत है क्या, नहीं आई थिंक सो नहीं है अभी अपने पास जरूरत, अपन चेक कर लेते एक बार अपना मेंडिंग यहाँ पे सब कुछ है, उसका एरो ले लिया, और उसके बाद अपने पास बो में अपना अनब्रेकिंग 3 पावर 4 फ्लेम पंच 2 है, और उसके बाद मेंडिंग स्विपिंग एज 3, उसके बाद शार्पनेस 4 यहाँ पे देख लीजिए अपने इसमें है, अपने भाई अपने एरो मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं अपने स्वर्ड में है, तो कोई नहीं अभी। और यहाँ पे देख लीजिए गोल्डन एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल भी खा लिया हम लोग ने, मतलब ले लिया है, और उसके बाद यहाँ पे पोषण ढेर सारे बनवा लिए भाई, लगातार 3-4 एपिसोड से ऐसा नहीं लग रहा है आप उनको ज्यादा यहाँ पे पोषण बनवा रहे हैं भाई, मजा आ रहा है लेकिन पोषण बनाने में। और उसके बाद भाई इसको क्यों तोड़ रहा हूँ मैं, अपने पास है ना यहाँ पे ऑलरेडी, तो कोई नहीं अभी यहाँ पे थोड़ा सा और कुछ ले लेते हैं भाई, एकदम देख ले यहाँ पे अपना मतलब इन्वेंटरी पूरा खाली खाली सा लग रहा है, तो एक बेड ले लेके आया यहाँ पे, ओके तो बेड ले लेता हूँ यहाँ पे, एक मजा आएगा बेड से भी, और थोड़ा सा यहाँ पे ओके यहाँ पे ले लेता हूँ कॉबल स्टोन, और कुछ की जरूरत है क्या, ब्लास्ट फर्नेस ये सब की जरूरत ही नहीं है, छी ये सब की जरूरत नहीं है, अभी चलते हैं अपन। तो यहाँ पे मैं अभी क्या करने वाला हूँ, अपने हॉर्स को लेके चलने वाला हूँ, और हॉर्स को लेके जाऊंगा वहाँ पे, नहीं यार रास्ता बहुत खराब है तो हॉर्स को नहीं अपन ही चलते हैं। तो अपने को तो मालूम है कहाँ पे अपना मतलब वो जो है अपना क्या बोलते हैं यार उसको स्ट्रॉन्ग होल्ड जहाँ पे से अपन जा सकते हैं एंड में, एंड पोर्टल में जा सकते हैं, तो उस पोर्शन में चल पहले मतलब उस जगह पे पहुंचते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए भाई अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड का जो यहाँ पे मैं बना के गया हूँ अपना दिखने लगा है, मतलब यहाँ पे निशानी बना के गया था कि भाई यहाँ पे रहेगा, तो इसके वजह से अभी चलते जल्दी से स्ट्रॉन्ग होल्ड में चलते भाई साहब, क्योंकि स्ट्रॉन्ग होल्ड में भी अपने को रास्ता पूरा कन्फर्म नहीं है कि कहाँ पे अपना जो एंड वाला पोर्टल है एंड सिटी का पोर्टल वो कहाँ पे है, तो भाई चलते हैं जल्दी से। ओ भाई साहब यहाँ से ऐसे नीचे जाना है, पागल है क्या, अरे भाई साहब ओ भाई इतने दिन से अभी तक यहाँ पे पड़ा है भाई, लिटरली मैं अभी तक नहीं आया यहाँ पे कभी जिंदगी में। अब तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ पे भाई, टूट मतलब भाई यहाँ पे देख लो मैं लिटरली यहाँ पे आया ही नहीं हूँ, और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे मतलब भाई अजब ही भाई खतरनाक यार, मतलब मैं इतने दिन से कभी नहीं आया यहाँ पे, और यहाँ पे पड़ा है भाई, मुझे ताजुब हो रहा है यहाँ पे।
तो अभी ऐसे तोड़ते हुए जाना पड़ेगा भाई अपने को। ओ भाई साहब ये क्या है यार, अब आप आ तो चुके हैं यार, फिर से मतलब यहाँ पे एडवांसमेंट क्या बनने की जरूरत है, मतलब आके पूरा खोज बीज के चले गए थे, फिर से एडवांसमेंट यहाँ पे बन रहा है। ये देख लीजिए पूरा दरवाजा दरवाजा मैं ही तो खोल के गया था पूरा ये सब, तो फिर से क्या बनने की जरूरत थी यहाँ पे चाचा। तो कोई नहीं जल्दी से अभी स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढता हूँ, मतलब जो पोर्टल है वो ढूंढते हैं। ओ भाई साहब याद आ गया भाई, यहाँ पे देख लीजिए इतना टॉर्च मैंने उसी के लिए लगाया था, तो यहाँ पे है। ओ भाई साहब मजा आ गया यार यहाँ पे ढूंढ के। तो कोई नहीं दोस्तों अभी यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इतना ढेर सारा अपने पास चीजें हैं, तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे जल्दी से इतना ही रहते रहते यहाँ पे आज स्टॉप करते हैं, क्योंकि भाई नेक्स्ट एपिसोड में अपन यहाँ पे उड़ी मारेंगे। पहले चलता हूँ देखता हूँ उड़ी मार सकते क्या, उड़ी मार सकते क्या। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आस पास प्यार बांटते रहिए।